कांग्रेस के वचन पत्र पर राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से बात की INDTV24 संवाददाता वैभव गुप्ता ने। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। वचन पत्र पर क्या कहेंगी? बहुत सारे बिंदु उसमें शामिल किए गए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, शादियों की बात, सारी चीजें की गई। देखिए, यहाँ पे जो 7.5 करोड़ जनता है मध्य प्रदेश की, वो भलीभांति समझ गई है कि पिछले 15 साल में शासन करने के बावजूद सिर्फ कुछ शासन मिला है, सुशासन के एड्स बनाए गए हैं और जो जनता है वो त्रस्त है, जबकि सरकार पूरी मस्त बनी हुई है। तो उनके बीच में जाकर उनकी क्या तकलीफें हैं, क्या दर्द हैं, क्या दुख है, उसको सब समझकर हमने ये वचन पत्र बनाया। हम इसको घोषणा पत्र कतई नहीं कहेंगे, कि ये वचन पत्र से हम प्रतिबद्ध हैं कि जो जो वादा हमने किया है, 7.5 करोड़ की जनता ने हम पे विश्वास जताया है, उसकी वचन पूर्ति भी हम करें। जन आयोग की बात भी की गई कि जन आयोग बनाएंगे, बीजेपी राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जाँचों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जांच सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का माहौल बनाया गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ गई, जहाँ पे हमारे युवा बेरोजगार हो गए, युवाओं को शिक्षा के लिए सही माध्यम नहीं मिले, सब पे व्यापार बनाया गया ना, उनको लाचार छोड़ दिया गया, इन सबको हम प्राथमिकता देंगे और जल्द से जल्द 100 दिन के अंदर अंदर ये जो भी आयोग बनेंगे उनका अकाउंटेबिलिटी लेकर जो मैं कहूँगी पनिशमेंट होता है, जो भी कार्रवाई होती है उसको हम करेंगे। क्या लगता है किस तरह से वक्त है बदलाव की बात, जो उस पर टैगलाइन भी लिखी है कांग्रेस के साथ, वक्त है बदलाव का, तो किस तरह से बदलेंगे? बदलाव है सक्षम मध्य प्रदेश बनाने का, बदलाव है एक कुशल मध्य प्रदेश बनाने का, बदलाव है एक सशक्त नारी बनाने का, बदलाव है एक कुशल किसान बनाने का, बदलाव है युवाओं को रोजगार देने का, बदलाव है युवाओं को रोजगार ही नहीं व्यवसाय देने का। तो बदलाव हर मापदंड से होगा, बदलाव हर तरीके से होगा और मध्य प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बदलने की बात कर रहे हैं कांग्रेस, जो बीजेपी वो समृद्ध मध्य प्रदेश की बात कर रही है। देखिए, पहले स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया, अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश होता तो समृद्ध मध्य प्रदेश की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो घोषणा करते हैं ना, जैसे मैंने कहा, उनका नाम, शिवराज सिंह चौहान जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आएगा, रिकॉर्ड बनेगा कि आए दिन 100-100 वादे करने वाले, एक ऐसा वादा नहीं है जिसको पूरा कर पाए हों, पर वो वादों का जो पूरा प्रचार होता है वो उन्होंने एड्स के माध्यम से किया हुआ है। तो ये है वो जो वचन पत्र है जिसको जारी किया है कांग्रेस। आप देख सकते हैं कि जिम्मेदार, संवेदनशील, पारदर्शी प्रशासन कैसे बने, उसको लेकर वचन पत्र जारी किया गया है। 975 से ज़्यादा बिंदु शामिल किए गए हैं, 50 से ज़्यादा विषय हैं, महिला सुरक्षा की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, हर वर्ग की इसमें बात करने की कोशिश की गई। दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने की बात भी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कही और साथ ही अकाउंटेबिलिटी की बात भी की है कि हम अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे और किस तरह से हमें एक साल के अंदर आगे बढ़ना है इस पर विचार करके, और जो वचन हम दे रहे हैं प्रदेश की जनता को उन सभी वचनों को हम पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन विपिन यादव के साथ वैभव गुप्ता, INDTV24 भोपाल।